एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं दान सदीक आप हित में हाजिर हूँ अलिस्ट्रेटर ईद के ट्यूटोरियल में हम आज सीखेंगे कि हमने कैसे बनाना है मैंने एक रिल फाइल अपलोड की हुई है लेकिन आप फिर भी कंपोजिशन बनाना दोबारा सीख लें कंपोजिशन से मैं जाकर सेटिंग मैंने की टर्निटी बैटर्निटी पे, पे कंपोजिशन मेरी पहले से बनी हुई है टर्निटी बैटर्निटी की मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इम्पोर्ट करता हूँ फ़ाइल फ़ाइल कैसे इम्पोर्ट करनी है ये सर मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं कर चुका हूँ यहाँ पर आना है यहाँ पे रिटेन लेयर पर क्लिक करना है एडिटेबल लेयर पे और ओके कर देना है यहाँ से अपलोड कर लेना मेरी अपलोड हुई भी मैं दोबारा से नहीं कर रहा अच्छा फाइल अपलोड करने के बाद ये मेरी फ़ाइल है यहाँ से व्यू हम कर लेते हैं टू व्यूज कर लेते हैं क्योंकि थ्री डी पर काम करना है हमने आज के लेयर में यहाँ पर हम आते हैं अपनी फ़ाइल में तो फाइल में देखें तीन ऑप्शन हैं हमारे पास टेक्स की है ऑब्जेक्ट्स की है और बैकग्राउंड की है इसमें तीन ऑप्शन है ये हमारा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो हम जो माई लाइट्स हैं इसको एनिमेट कर लेते हैं लाइट्स पे हमने क्लिक किया पोजीशन सेलेक्ट करेंगे पोजीशन की कमांड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ वैल्यूज़ एंटर करेंगे अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं मुझे याद थी तो मैंने वैल्यू एंटर कर दी सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे अगर यहाँ भी आपको वैल्यूज़ याद हैं तो आप एंटर कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद तो आप मैनुअल इसको आगे पीछे करके वैल्यूज एंटर करेंगे ये मैंने इसकी वैल्यू सेट कर ली वैल्यूज़ को सेट करने के बाद इसको प्ले करके चेक करवा देता हूँ मैं आपको पोजीशन की कमांड लगाते हैं इसके ऊपर पोजीशन की कमांड लगाने के बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हल्का सा एनिमेट हो बस तो हम उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे इनको यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करना है और नीचे लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर देंगे अब ये भी उनके साथ उसी एनिमेशन के जिस तरह से बाकी एनिमेशन आ रही थी उसी तरह से आ जाएगा अच्छा नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि अब तो हमने ये काम तो कर लिया अब हमने क्या करना है कि जो हमारी क्लिप ग्रुप प्लेयर है ना लास्ट प्लेयर जो है उसके ऊपर हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है ये काम हमारा यहाँ तक कंप्लीट है इसको मैं थोड़ी सी स्पीड इसकी स्लो कर रहा हूँ ताकि ये इन सब से थोड़ी सी स्लो आए ज़रा पोजीशन की कमांड कीबोर्ड से अगर आप पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन की कमांड आपके पास आ जाएगी क्लिप प्लेयर को ओपन करेंगे हम डबल क्लिक करने से क्लिप प्लेयर ओपन होती है इस पर आके ग्रुप प्लेयर में जाएंगे ये बीजी मोटिव जो है एक बीजी अपर मोटिव है और एक बीजी मोटिव है इसके ऊपर अब हमने काम करना है मैं ये चाहता हूँ कि जो बीजी अपर मोटिव है बीजी अपर मोटिव मैंने रोटेशन की मार लगाई आल्ट प्रेस करके और वैल्यू एंटर की है मैंने टाइम जरब तीस तो ये आपके सामने एनिमेट होना स्टार्ट हो गया आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से एंटर कर लीजिएगा अच्छा अब हमारा यहाँ तक ऑब्जेक्ट और क्लिप ग्रुप का काम हमारा ख़त्म हो गया अब हम मेन लेयर पे आते हैं मेन लेयर पे आने के बाद मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कैमरा रोटेशन की कमांड लगाऊं। तो यहाँ पे हम आएंगे पैंतीस एम mm एम मैंने कैमरा सेलेक्ट किया है और इसकी थ्री डी लेयर ऑन कर दी है अगर आपकी थ्री डी ऑप्शन नहीं आ रही तो ट्रिगल एंड स्विचेज में जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपका थ्री डी लेयर आ जाएगी मैंने थ्री डी लेयर के ऊपर कैमरा रोटेशन पे पोजीशन की कमांड लगाई है पोजीशन की कमांड लगाने के बाद अब मैं इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा सेट करूँगा ये मैं इसकी वैल्यू को मैनुअल तरीके से सेट किया अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाके थोड़ा सा ये पीछे आए फोर्थ पे जाके थोड़ा और पीछे आए राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक्टिव कैमरा में जो हमारी कैमरा रोटेशन है वो आपको नज़र आ रही होगी हम एट के ऊपर क्लिक करेंगे और वैल्यू को फाइनलाइज कर देंगे ये हमारी वैल्यू यहाँ फाइनलाइज हो चुकी है इसको मैं प्ले करता हूँ ये मैंने इसको यहाँ प्ले करके चेक किया अच्छा अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो नीचे हमारे पोजीशंस की वैल्यूज़ हैं इन सबको सेलेक्ट करके आप इजीज़ कर देंगे तो स्मूथ हो जाएगी अच्छा मैं चाह रहा हूँ ये जो ऊपर लाइट्स आ रही हैं ये लाइट्स थोड़ी सी मेरी लेट आए लेट एनिमेट हूँ ये मेरी एनिमेशन के सेंटर में आ रही हैं जो मैंने कैमरा रोटेशन लगाई है उसमें पहले आ रही हैं टाइम से पहले तो मैंने इनको थोड़ा सा इनकी वैल्यूज़ को बैक किया है और यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा क्लिप ग्रुप है वो मेरा वहीं रहे बस सिर्फ लाइट्स मेरे पीछे जाएँ तो उसमें मैंने क्या करना है कि वापस अब अब मैंने इसकी यहाँ सेटिंग कर ली अब मैंने क्या करना है कि वापस अपनी मेन लेयर में आना है कंपोजिशन में आना है कंपोजिशन में आने के बाद चेक करना है कि ये हमारी एनिमेशन किस तरह से काम कर रही है वर्क किस तरह से कर रही है अब मैंने इसको यहाँ प्ले किया है प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अब वो लाइट्स हमें तंग नहीं कर रही यहाँ पे आके ये इस तरह से हमारी लाइट्स आ गई हैं अच्छा मैं चाहता हूँ ये मेरा टैक्स है जब जूम आउट होता है तो टैक्स मेरा वापस अपनी एग्जैक्ट पोजिशन पर आ जाए जब हमारी वैल्यूज़ यहाँ आ गई इस जगह पर तो यहाँ पर आने के बाद हमारा जो टैक्स है वो वापस अपनी जगह पे मूव करे तो उस पर पोजिशन की कमांड तो लगी हुई है मैं चाहता हूँ यहाँ पे आके ये टैक्स नीचे आ जाए ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू भी यहाँ पे आ चुका है अब हम इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि आया ये हमारी एनिमेशन ठीक है या नहीं हम न्यू पोजिशन वैल्यू को पीछे कर देते हैं अच्छा अब आप ये देखें कि हमारी एनीमेशन यहाँ एग्जैक्टली वर्क कर रही है इसको दोबारा सा प्ले करते हैं मेन कंपोजिशन में आते हैं और अब इसको एक दुआ प्ले करके चेक कर लेते हैं कि हमारी एनिमेशन बनी किस तरह की है अगर मेरी वीडियो पसंद आई और टैंपलेट्स आपको काम दे रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम रोज़ रोज़ मिलते रहें